नमस्कार सभी दर्शकों को इन बीसीएन और सिटी न्यूज के हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर परिचर्चाओं का दौर आज से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। उस परिचर्चा में शामिल है हमारे साथ में पूना से डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज से जुड़े हुए। उसी तरह हमारे साथ में हमारे मेहमान है डॉक्टर चंदू सजातिया, जो कि सिटी न्यूज अमरावती के सर्वे सर्वा है। मेरे साथ में है इमरान शेख, इन बीसीएन के एडिटर इन चीफ और डायरेक्टर, और मैं हूँ आपके साथ में आपका होस्ट रत्नाकर। चर्चाओं का दौर जारी भी था और मार्च के बाद में जो कोरोना से स्थिति जो आकलन में आई थी, कई आंकड़े बदलते गए, कई संभावनाएं बदलते गई, लेकिन आज कोरोना ने इस कदर कहर ढाया हुआ है। आज इस परिचर्चा की अगर हम बात करें तो आज परिचर्चा का विषय हमने ऐसा लिया हुआ है कि मजबूर जनता, लाचार प्रशासन और बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़े और जान लेते कोरोना के आंकड़े। आइए इसी विषय पर बात करते हुए मैं सीधा चलता हूँ, स्वागत करता हूं आलोक मिश्रा जी आपका इस परिचर्चा में। क्या कहेंगे सर इस विषय पर? आपने जैसा कहा कि जनता लाचार है, बिल्कुल सही है, जनता लाचार है, प्रशासन मजबूर है, प्रशासन मजबूर है। अब दिक्कत यह है कि किसी को किसी की कुछ नहीं सुनना है जी। सबको अपना काम करना है। प्रशासन बोल रहा है कि हम हमारा काम कर रहे हैं, जनता को बताया जा रहा है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सुनना है। अब सबको पानी पूरी खाना है, भेल पूरी खाना है, घूमना भी है, पिकनिक भी मनाना है। तो अब आप कहाँ 130 करोड़ जनता को कैसे रोक सकोगे आप जी। ये तो जब तक के सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक के स्थितियां जो है वो बहुत जो विकट होती जा रही है। 1 लाख लगभग हम देख रहे हैं कि 1 लाख लोग रोज का आंकड़ा आ रहा है देश भर का। अगर 1 लाख के जी बिल्कुल इस घर में जो है बहुत तेजी से देखिए, भारत जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब 40 से भी पीछे नंबर पर था और आज दूसरे नंबर पर है, और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो लगता है तो ये तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगी इसका सॉल्यूशन, 130 करोड़ के देश में जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगी। लास्ट टाइम भी चंदू जी, रत्नाकर जी और हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों के साथ में, जनता के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब राइट्स की बात करते हैं जी। किसी को भी ड्यूटीज की बात नहीं करना है, डिसिप्लिन की बात नहीं करना है। सेल्फ डिसिप्लिन जब तक के, क्योंकि 130 करोड़ जनता को आप नहीं कंट्रोल कर सकते सर, ये तो सेल्फ डिसिप्लिन और एक ड्यूटी को मान के चलना है कि नहीं साहब ये मेरी ड्यूटी है, मुझे बचना है और सबको बचाना है। ये प्रण जब तक सब में नहीं आएगा तब तक की स्थितियां ऐसी ही रहेगी, और ये बहुत ज्यादा डेंजर साइन है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कुछ है। ये आगे हम लोग बात करेंगे इस पर जी। मैं सर चलूंगा चंदू सर के पास में। चंदू जी आपका स्वागत है, काफी दिनों के बाद में आज हमारी चर्चा की फिर से शुरुआत हुई है। सर क्या कहेंगे, लाचार मजबूर जनता, लाचार प्रशासन और बढ़ता कोरोना, जानलेवा कोरोना, सर क्या समीक्षा करेंगे आप? कोरोना के बारे में तो हमने इससे पहले भी कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो सबको कभी ना कभी होना है, इसके संक्रमण से कोई बचना नहीं है जी। चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाकर अपना रिकवर कर लेवे, कोरोना करवा के वैक्सीन लगवा लेवे जी। कोरोना भी यदि उसको हो गया तो एक प्रकार की उसको वैक्सीन मिल जाती है, क्योंकि उसका प्लाज्मा वगैरह भी काम में आता है सारा सारा जी। अब रहा लाचार प्रशासन, मजबूर जनता, जनता की मजबूरी कहीं ऐसा हमने भी 3-4 महीने में जो देखे, एक आर्थिक रूप से उसको सहायता चाहिए थी, इसके अलावा जनता की उसके अलावा कोई मजबूरी थी नहीं जी। और जैसा आप बता रहे हैं कि मरने की संख्या पेंडेमिक में जो रेशियो होना चाहिए उसके हिसाब से हमारे यहाँ भारत में बहुत कम रेशियो है। अमरावती की बात करें तो 2.25% और भारत का मेरे ख्याल 3.5% से ऊपर नहीं है। और आम जो मौत होती है, जो पहले भी कोरोना से पहले भी जो मौत होती थी, उसको कहीं पर भी कोरोना की मौत ने क्रॉस नहीं किया। कहने का मतलब ये कि कोरोना से मौत हुई है लेकिन जो एक नॉर्मल डेथ रेट जो आता था उससे कहीं बहुत ज्यादा ये किया नहीं। एक तो इसको बहुत ज्यादा हमने इसको हाईलाइट कर दिया कि कोरोना बहुत खतरनाक है, इसको प्रॉपर समझाया नहीं गया, और अब जनता से हम लोग आशा कर रहे हैं कि वो पूरी हेल्प करें। अब जनता, जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि जनता भी पूरी है, जनता मेरे ख्याल से बहुत लोगों अच्छी तरह से समझ रही है। हम जहां रह रहे वहां की बात करें तो अब लग रहा है कि कोरोना के आंकड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कल 462 का आंकड़ा आया, जहां पहली बार मुझे याद है कि 4 अप्रैल को एक कोरोना मरीज मिल रहा था तो पूरा अमरावती हालांकि बंद था 15 दिन से, लेकिन उस टाइम भी बहुत ज्यादा टेंशन। लेकिन
इन चार महीनों में कोरोना को लोगों ने बहुत अंदर तक समझ लिया है कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उस नुकसान के हिसाब से लोग अपनी केयर कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, ये हमेशा चलना है। कहीं आप ये बात करेंगे सर, कर रहे नहीं कर रहे, इसके आंकड़े आएंगे ये भी। हाँ, ये कोई, क्योंकि ये चलते रहना, आप सब पूरे इतने बड़े देश में, इतने विचारधारा वाले देश है, सबको एक साथ में आप नहीं कर सकते, तो ये चीजें चलनी है और इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप लाख कड़क कर ले, लाख डंडे चला ले, लाख समाज सेवा कर ले, लेकिन हर आदमी को प्रॉपर एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करना ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास बेहतर यह होगा कि जो चीज हो रही है उसको जैसे हो रही चलने दे, उसका क्या बेहतर हम इलाज कर सकते। जैसे अभी घर पे रहकर भी आपको इलाज करने की सुविधा दे दी गई, तो इसमें करीब 60-70% का रेशो होना चाहिए, जो 10% मात्र अभी आ रहा है। ये लोगों में घर में रहकर भी बहुत अच्छे से इलाज होता है, इसका प्रमोशन ज्यादा करना चाहिए, ताकि सरकार पर भी, हमको जो आज बोल रहे हैं कि सरकार लाचार है ये बोलने का काम नहीं पड़े, ना जनता को बोलने का काम पड़े कि मजबूर है। हमको इसको समझना है, इससे साथ में कैसे चलना, उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। जी, आपने जो बात कही चंदू जी, ये बात सही कही आपने कि जो होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में रख के हम इसका एक उपाय कर सकते हैं, उस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे वर्ग है, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में इतनी जगह ही नहीं है कि वो होम आइसोलेशन पे रह के इसके ट्रीटमेंट करा सके। हालांकि इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं सीधा इस वक्त चलूंगा इमरान शेख के पास में। इमरान, आपने आलोक सर की भी बात सुनी, आपने चंदू सर की भी बात सुनी, अमरावती के परिप्रेक्ष्य में चंदू सर ने जो बात कही वो भी कहीं ना कहीं है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि लोगों का जो देखना या लोगों का सपोर्ट जो है वो काफी पॉजिटिव भी दिख रहा है, लेकिन क्या ये स्थिति हर जगह पे बनी हुई है? क्या हालात? बिल्कुल, अगर मैं नागपुर के हालात अगर अमरावती से कंपेयर करूं तो नागपुर की जो स्थिति है अभी, जिस तरह से अगर 4000 टेस्ट हुई है, आज 4000 टेस्ट हुई, उसमें से 1000 लोग पॉजिटिव है, और कल की अगर बात की जाए तो 6-7 हजार टेस्टिंग हुई थी, और उसमें 2300 का आंकड़ा जो बड़ा है, और मौत का रेट जो आप देख रहे हैं कि नागपुर की अगर माने तो कुछ पिछले 1.5 महीने से नागपुर में दिन ब दिन 40-45 मौतें हो रही है। यहाँ तक तो ठीक है जी, होम आइसोलेशन की बात तो ठीक है, मगर जिस पेशेंट को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत है नागपुर शहर में वो मिल नहीं पा रहा। गवर्नमेंट ने जितने भी प्राइवेट अस्पताल ऑब्जर्व करके रखे थे, वहां तक, वहां भी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। जो मौतों का आंकड़ा नागपुर शहर में बढ़ रहा है, ये हॉस्पिटल ढूंढ ढूंढ के बढ़ रहा है। जैसे चंदू जी ने बोला था कि होम आइसोलेट के लोगों को आदत डालना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, ये सही, बिल्कुल सही कहा, मगर कई कई जो लोग होम आइसोलेट करने लायक नहीं है, जिनकी हालत, जिसका ऑक्सीजन लेवल 80-85 बता है, जिन्हें मतलब वेंटिलेटर की जरूरत है, हॉस्पिटल नहीं, अभी तो एक मजबूरी बन गई कि होम आइसोलेट हो जाए। और नागपुर शहर की जितनी लोक संख्या है, जिस तरह से 2000 और 2500 पॉजिटिव डेली जो मिल रहे हैं, उनको ट्रेस भी नहीं हो पा रहे, वो तो ट्रेस भी नहीं हो पा रहे, महानगर पालिका की टीम उनको होम आइसोलेट करने के लिए ट्रेस तक नहीं कर पा रही, ये हालत आज नागपुर की बनी हुई है। मैं आलोक सर को, इमरान जी, मैं आलोक सर को, चंदू सर को एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मुंबई में जिस तरह से कंट्रोल किया गया था धारावी जैसे इलाके में, और मुंबई में जो कंट्रोल किया था, वहां पर कंट्रोल करने वाली जो सुपर पावर टीम थी, वहां पे कुछ डॉक्टर थे और बीएमसी प्रशासन के कमिश्नर थे, उन्हें नागपुर में बुलाया गया था और उनके साथ में पूरे दिन भर मीटिंग चली, और उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी। ये गाइडलाइंस जहां जहां पर भी कोरोना का उद्रेक है, उन सबके लिए एक अच्छी तरह से गाइडलाइन मानी चाहिए थी। मेरा ये कहना है कि एक मीटिंग होती है, उस पर चर्चा होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट इतना कमजोर होता है कि उसके बावजूद उस पर कोई अमल नहीं होता, तो सिर्फ मीटिंग और चर्चाओं के दौर से क्या ये समस्या हल हो पाएगी? रत्नाकर जी, दिक्कत सबसे बड़ी इस देश में भी ये हो गई है कि राजनीति ज्यादा हो रही है जी। अभी हम जैसे जो चैनल है, सिटी न्यूज चैनल है हमारा NBC ने, ये इस पे चर्चा कर रहा है जी। लेकिन आप बाकी के अगर चैनल देखो तो कंगना से फुर्सत नहीं है, सुशांत सिंह से फुर्सत नहीं है जी। ठीक है, अब सरकार अपने आप को बचा रही है, वो राज्यपाल जी के पास पे पहुंच रही है, संजय राउत जी अपने कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रशासन इसी कामों में लगा हुआ है, इसको बचाना है, इसके ऊपर केस दायर करना है, इसका घर गिराना है। तो अब ये सब चीजें अगर चलती रहेगी कि आपको किसी का घर गिराना है, इसको बचाना है,
तो कोरोना पे ध्यान कहां से जाएगा? ये मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद में अफसर आएगा, उसको एक नया असाइनमेंट मिल जाएगा। यही जो बीएमसी इतना एक्टिव तरीके से मुंबई में काम कर रही थी, ये अब नहीं कर पा रही है उस ढंग से काम। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि आपका फोकस ऑफ एरिया चेंज हो गया ना, फोकस चेंज हो गया आपका। एक अच्छा अधिकारी आपके नागपुर में था जो काम कर रहा था अच्छा, उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है। तब ये सब चीजें जहां पे रहेगी, जो कंट्रोल में लाने वाली जो बातें, जो प्रैक्टिकली फील्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं, अब उनको अगर आप चेंज कर दोगे या उनको दूसरे कामों में लगा दोगे, तो अभी मेरे हिसाब से तो अभी जनता को ही ट्रेंड होना पड़ेगा। मतलब ये मेरा घर जी, क्या ये मानकर चले कि अभी लीडरशिप ही नहीं है तो हमें खुद सारी जनता को खुद का लीडर बनके काम करना पड़ेगा? नहीं, जनता को लीडर बनने का काम नहीं। जैसा आलोक जी ने बताया कि अभी सरकार का ध्यान कहां पर है जी, क्योंकि सरकार कोरोना को समझ चुकी है, जनता को समझना है। सरकार को पता है कि कोरोना फैलते जाना है, हमारा कंट्रोल ऐसे होते जाना, एक समय ऐसा आएगा कि सबको कोरोना हो जाएगा और उसके बाद में इसकी घसरगुंडी चालू हो जाएगी। सरकार चाहकर भी कितने भी प्रयत्न कर ले, सरकार के पास में क्या है कि मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था करना, इसके अलावा सरकार की ओर से कोई प्रयत्न मुझे होते हुए दिख नहीं रहे। क्योंकि कोरोना के लिए व्यवस्था करनी है, कोरोना से लड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कोरोना की महामारी को भगाने के लिए कुछ नहीं है। जिस दिन से लॉकडाउन लिया था, डिफेंसिव मोड में ही है, जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया था उस टाइम कोई प्लान नहीं था कि हमको 8 दिन का लगाना, 15, यदि उसी समय हमने उस समय भी एक ऑडियो क्लिप जारी की थी कि इसमें हमको जून महीने तक लॉकडाउन का संभावना जिसमें नजर आ रही थी, यदि उस समय एक प्लानिंग किया जाता कि हमको पहले फेज में ये करना है, दूसरे फेज में ये करना है, तीसरे फेज में, सिर्फ लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, ये लॉकडाउन और अनलॉक का खेल हो गया पूरा पूरा। चाहे जाके सरकार केंद्र की हो, महाराष्ट्र की हो, या स्थानीय प्रशासन हो, आपका नागपुर का प्रशासन हो, हर व्यक्ति मैंने किया ना, लीडरशिप में तो ये बातें होती थी, लेकिन अभी प्रशासनिक में भी कहीं पर भी ये किसी का इन्वॉल्वमेंट लेना नहीं चाहता। एक अमरावती की बात बताता हूँ, एक बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन के और इसके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उस चीज को लेकर और प्लाज्मा के डोनर के इस चीज को लेकर एक सजेशन दिया गया वहां पर कि भाई यदि आप हम लोगों को यदि ये लिस्ट प्रोवाइड कर देते हो जिन्होंने अभी तक कोरोना हुआ, तो उनके प्लाज्मा के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे जाके। तो हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय का प्रयत्न है कि हमने इस चीज की व्यवस्था की है, एक अलग से उसका डिपार्टमेंट बना दिया, आप उनसे जाकर मिल लो। अब मुझे बताइए, जो समाज सेवा कर रहा, पगार कलेक्टर यहाँ के खा रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज खा रहे हैं, लेकिन यदि आपको प्लाज्मा का काम करना है क्योंकि करना है, तो सरकारी कार्यालय में जब वो जाएंगे तो सरकारी कार्यालय अपने ऊपर ले लेंगे कि हमने इतना सारा प्लाज्मा जमा किया है ना, यहाँ पर भी अपने खुद की ये लेने की, श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जनता को कहीं हो रही ना, कहीं ना कहीं नहीं, राजनीति तो साहब, अब राजनीति तो राजनेता लोग करेंगे, प्रशासन के लोग राजनीति कर रहे हैं ना, इनकी राजनीति कहां तक उचित है? राजनेता लोग राजनीति करते हैं, कंगना को सामने लाकर चलो महाराष्ट्र की सरकार गिराने का प्रयास करते हैं, सुशांत सिंह को लाके बिहार में अपना करना चाहते हैं, उनको समझ में आता है प्रशासन की व्यवस्था करती है दिवाली की महाराष्ट्र सरकार की? प्रशासन की व्यवस्था में क्या है, क्यों नहीं जनता का सहयोग ले रही, क्यों जनता का सपोर्ट नहीं ले रही? कहीं आज भी हम इसके पहले भी इसी चीज के मुद्दे पर था कि आप जनता का सपोर्ट लो, जनप्रतिनिधि का। मैं बोला ना मीटिंग में था, मैं यहाँ पे स्पष्ट लोगों ने कहा कि आप यदि हमारे वो लिस्ट देते तो हमारे के 4-5 लोग बैठा के सबसे हम कॉन्टेक्ट करें, निश्चित रूप से मैं हूं यहाँ के नगर सेवक है, लोग है, लोकल के लोग है, हमारे जो कन्विंस करने का पावर है, निश्चित रूप से प्रशासन के व्यक्ति करने के लिए, उनको 1-2 साल रहना है साहब, 2 साल बाद कोई काम नहीं पड़ना है, हम लोगों से रोज काम पड़ना है, हमको इनसे रोज काम पड़ना है, तो ये भी उसको करने को कोई ये नहीं। दूसरे में एम्बुलेंस की देखो कि एम्बुलेंस की इतनी अव्यवस्था हो गई पूरी की 4,000-5,000 लोकल के टीम लेते, उसके लिए भी यहाँ पे आंदोलन है, उसके लिए मैं यहाँ पे कई लोगों के साथ में आरटीओ में जाके उनके एक रेट फिक्स कराया, तो यहाँ पे आंदोलन एम्बुलेंस वालों ने आंदोलन कर दिया। यहाँ पर भी चलिए, आपने जो किया बहुत ही एक उच्च उपक्रम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी वो जिम्मेदारी ली। यहाँ पर भी हमने सर काफी कोशिशें की, लेकिन कुछ हमें, मुझे बड़ा दुख है ये बताते हुए कि कई हमारे पत्रकार भाइयों को भी ये इस स्थिति से गुजरना पड़ा और उन्हें एम्बुलेंस या मेडिकल एड नहीं मिलने से उनकी मृत्यु तक हो गई। जैसे अभी के हालात है जिसका हमें इतना दुख है। अपना सब्जेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अभी एम्बुलेंस की शॉर्टेज, एम्बुलेंस की अव्यवस्था, हर साल कई निधियों में से, आमदार निधि में से, कई निधियों में से, खासदार निधि में से एम्बुलेंस डोनेट की जाती है,
एम्बुलेंस समाज को दी जाती है लेकिन वो पर्सनल प्रॉपर्टी करके वहां पड़ती है। एम्बुलेंस से कहां है? सारे विदर्भ की बात कर रहा हूं, मैं अमरावती की बात नहीं कर रहा हूं, सभी जगह। आपके यहाँ आपने भी कहा कि एम्बुलेंस का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कई छह खासदार है, उन्होंने सबने एम्बुलेंस गिफ्ट दी हुई है। जी 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 बहुत निधि निधि आती है वो दी, वो एम्बुलेंस से कहा? प्रशासन पूछने को तैयार नहीं, और फिर बाहर से हायर करते उसके पैसा देते। कहीं ना कहीं इस चीज में भी पेंडेमिक के लिए जो आप कर रहे हैं हर चीज के लिए इसको जनता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जनता जबकि पूरा सपोर्ट कर रही है, जनता हर प्रकार से सहयोग कर रही है। जनता हमारे यहाँ के व्यापारियों ने ये देखा कि आज से हमारे यहाँ का मार्केट 7 बजे अमरावती का बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि भीड़ से बढ़ रहा, तो उन्होंने खुद ने भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब सब घर से निकलने के लिए मना तो व्यापारी वर्ग नहीं कर सकता ना, समाज नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था लगेगी। जी, और सही बात है, जैसा कि नागपुर में भी एक होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन, उन्होंने भी कुछ दिन का कर्फ्यू आज घोषित किया हुआ। एक और सहम एक अहम सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। रोज जो हम एक दूसरे को फोन करते हैं, आज की मेडिकल इमरजेंसी में फिर से वो कोरोना कोविड को प्रोटेक्शन का एक मैसेज जो है 30 सेकंड के लिए बचता है, उतने देर तक कोई सामने वाले के फोन पर रिंग नहीं जाती जो हमें एक रिकॉर्डिंग मैसेज सुनाया जाता है। मैंने खुद इस दौर से गुजरा हूं कि हमारे यहाँ पेशेंट थे, काफी पैनिक सिचुएशन हमारी हो गई थी, लेकिन वो इतना समय जो इतना जा रहा था बड़ा ही पैनिक होता था, और उसके बाद में फिर वो फोन लगता नहीं लगता था। प्रशासन की ओर से भी जब उन्हें कॉन्टैक्ट सेंटर जो थे, जो जोन सेंटर बनाए गए थे, कंट्रोल रूम जो बनाए गए थे, वहां पर भी हमें इतनी अव्यवस्था नजर आई। तो ये क्या रिंग टोन होनी चाहिए इतनी 30 सेकंड की जो रिंग टोन है कोविड की? शुरुआत के हिसाब से ठीक था, जब नया नया था उस समय ये था कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम के हिसाब से वो चीज ठीक। अभी तो बच्चा जानता है, अब वो बच्चा जब वो चीज को जान गया तो उसको हटा दो। अब क्या जरूरत है उस चीज की, अब तो पता है ना क्या करना है। आज हम सबके किसको किस वक्त किस चीज की इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में बात कर रहा हूँ चंदू जी। बीच में तो रत्नाकर जी इसका ऐसा आया था, एक हमने पढ़ा था इसमें कि कहीं कोई बाढ़ में डूब रहा है, उसने फोन लगाया जब तक तो गाड़ी के साथ में बह गया, उसकी रिंगटोन बंद नहीं हुई है। तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति है सर, मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की क्यों क्षमता नहीं है प्रशासन में कही या सरकार में कही? लेकिन मैंने तो रत्नाकर जी आपसे कहा ना कि प्रशासन के पास तो दूसरे काम है। प्रशासन ने जैसे चंदू भाई ने जो कहा कि भाई आपको बता दिया गया है कि भाई कोरोना आया है, देश में कोरोना है, हमारे प्रदेश में कोरोना है, हमारे शहर में कोरोना है, आपको इस प्रकार से इससे बचना है, हमने ये सब चीजें आपको बता दी है। अब बताने के बाद में जितने मेडिकल थे हमारे पास में, हॉस्पिटल्स थे, वो हमने आपको बता दिए है, हमारे मिनिस्टर जाके दौरा कर रहे हैं वहां का, ये सब चीजें कर दी है। अब प्रशासन के साथ में भी जो मैं आपको बताऊं, जो चंदू भाई जो कह रहे थे कि प्रशासन, अरे प्रशासन को मालूम है कि ये सरकार है या नहीं है, क्योंकि दूसरे कामों में इन्वॉल्व है ना। तो जो वचक जो रहता है सरकार का कि नहीं 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 आपको ये चीज करना होगा, प्रशासन को आपको गाइडलाइंस देना होगा कि भाई आपको ये ऐसा ऐसा करना है, आपको जो चंदू भाई ने जैसा बताया, सोशल वर्कर को इमरान भाई ने बताया, इन लोगों को बुलाओ साथ। अब प्लाज्मा डोनेशन जैसे के लिए लोग आगे आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि उनसे वो क्यों संपर्क करेगा साहब, उसको क्या आवश्यकता है? तो ये सब जो चीजें हैं, तो ऊपर से नीचे तक आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप बात बोलते हैं, जब सरकार आप बोलते हैं, तो आपको स्ट्रांग एक फॉर्म डिसीजन है। आप देखिए ना, स्ट्रांग डिसीजन जब तक के नीचे परकुलेट नहीं होगा, स्ट्रांग डिसीजन नीचे आना चाहिए कि साहब ये करना है, ये साहब अमरावती है, ये पूना है, ये यहाँ ये स्थिति है, यहाँ ये आपको करना है, आपको डे टू डे रिपोर्टिंग लेना है उसका। ये मैनेजमेंट जब आप करोगे तो ये मैनेजमेंट तो नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम तो जनता से यही आह्वान करेंगे कि साहब अपनी सुरक्षा खुद करना है, अपना बचाव खुद करना है। और चंदू भाई ने तो बहुत एक बहुत बड़ा, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी, उन्होंने तो अपने जो मित्र, उनका जो बहुत बड़ा जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें उन्होंने दवाइयों के पैकेज बना के दे दिए हैं कि भैया ये स्थिति आती तो आपको ये करना है। और ये रत्नाकर जी, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कोशिश करता हूँ, आप लोग, हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करें कि हमारे जो पत्रकार जो लोग हैं उनके लिए हम लोग एक किट तैयार करके उनको एक दे दे, उनके फैमिली के लिए। ये आज के दौर में ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो ऑक्सीजन लेवल तक के नहीं आएगा, वेंटिलेटर लेवल तक नहीं आएगा, पहले दिन ही आपको टेम्परेचर आ रहा है, तो 2-3 जो चीजें जो है वो हमको कर ले, क्योंकि स्थितियां कहाँ खराब हो रही है, स्थितियां खराब हो रही है वेंटिलेटर वाली स्थिति। जी जी, कि जहां भटकाव आया कि वहां ऑक्सीजन नहीं है, हमको वहां तक जाने ही नहीं है, पहले दिन दूसरे दिन से हमको स्थितियां कंट्रोल में लाना है। आत्मरक्षा आत्म सुरक्षा, बस ये मंत्र पालन करना है। अब भूल जाइए सरकार प्रशासन क्या है, मुझे जिंदा रहना है 2020 में, 2020 मुझे निकालना है।
आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मसुरक्षा बहुत आत्मसुरक्षा आत्मसुरक्षा करना है, नहीं तो यही होगा कि इन लोगों के भरोसे हम रहोगे, स्थितियां वही होगी और वो बद से बदतर होती जा रही है इमरान भाई स्थिति। मैं आपको आलोक सर आपने जो कहा और इमरान भी इस पर रोशनी डालेंगे जी, हमारे खुद के पेशेंट के लिए जब हमने नागपुर में सर पहले एक कंट्रोल रूम था, अब 10 कंट्रोल रूम हो गए हैं। उस 10 कंट्रोल रूम में हमारे पेशेंट को जब मेडिकल की जरूरत पड़ी क्योंकि उनका ऑक्सीजन रेट बहुत कम था, उन्हें जब एडमिशन कराने के लिए बात की तो उन्होंने एक और नंबर दिया कि आप इस पर बात कीजिए तो आपको हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी पड़ेगी। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के उन्होंने नंबर दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में की स्थिति यह है कि पहले आप इतना पैसा रखिए, डिपॉजिट कीजिए, तब जाके आपके पेशेंट को एडमिट कराया जाएगा। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा कि हमारे पेशेंट के पास में इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या घर में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती है, तो उस कंट्रोल रूम के पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना ही वो अधिकारी या उनके साथ में जो भी थे वो अपनी कोई जानकारी हमारे साथ में साझा करने को तैयार थे। अल्टीमेटली सर फरे दुख के साथ में फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे हालातों के मद्देनजर वो हमारे जो पेशेंट थे वो शनिवार की रात उनका भी इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। बहुत ही दुखद स्थिति है सर, हम एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और हम पत्रकार लोग हैं, पत्रकार लोगों के साथ में भी इस तरह से हम लोग असहाय जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब ये प्रशासन की कहे या कर्मचारी की जो संवेदनहीनता जब सामने आती है या हम कहें कि मेडिकल प्रशासन के भी कुछ हद तक, हालांकि मेडिकल प्रशासन को हम दोष भी नहीं देंगे क्योंकि मेडिकल प्रशासन का या पुलिस प्रशासन के कोविड योद्धा के रूप में आज उन्होंने सबको संभाल के रखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो है ये है, ये चैन में कहीं ना कहीं दुख होता है। आलोक जी, जैसे मैं एक अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक सजेशन आया जी कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्स हैं शहरों में जी, क्यों हमको फोन की आवश्यकता है, हर चौराहे पे डिस्प्ले करो आप उसको जी, करंट पोजीशन ये है, इतने हॉस्पिटल में है, इतने बेड अवेलेबल है, यही हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है जी, ना जी, आप कॉल सेंटर बनाओ, कॉल सेंटर में आप पहले फोन के ऊपर ही अपडेट होना चाहिए, ये वर्चुअल कॉल सेंटर। आलोक जी, आलोक जी, नागपुर की अगर बात करो, आलोक सर अगर नागपुर की बात करो, आप कॉल सेंटर में कॉल करेंगे, मैं अभी जस्ट कॉल करूंगा तो मुझे रिप्लाई क्या आएगा कॉल सेंटर से, आपका नाम बताइए, आपका एज बताइए, आपका यहाँ बताइए, ठीक है हम थोड़ी देर से हमको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे, फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल का नंबर दिया जाता है या फिर वापस रिटर्न कॉल आता है कि नहीं एक भी बेड अवेलेबल नहीं है, तो उसको अगर हम पूछा जाए कि हमने अभी पेशेंट के साथ क्या करना, कहाँ मरना, तो उनका रिप्लाई आता है आपको जहां मरना है मरिए, इस तरह के रिप्लाई नागपुर महानगर पालिका के कॉल सेंटर में दिए जा रहे हैं। नहीं, ये हर जगह की स्थिति है, जैसे चंदू भाई ने अभी बताया तो उसका एक सोल्यूशन तो मैं बता रहा हूं, आप लोकल नहीं, लोकल लोकल जो कॉर्पोरेटर है आपके या जो लोकल जो लोग है जिनकी बात सुनी जाती है जी, आप जो अपडेट डेटा जो है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि आप मेडिकल स्क्वायर पे है नागपुर में, मैं एक अलग एरिया में हूँ, ये एक अलग एरिया में, वहां का जो कॉर्पोरेटर है उस कॉर्पोरेटर के पास में हर घंटे की सूचनाएं आ जाए, अपडेट आ जाए, और लोगों को ये कम्युनिकेट करते कि भाई आप अपने एरिया की इस व्यक्ति से कम्युनिकेट करें, तो ऐसा कुछ तो भी सिस्टम, ये तो क्या हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं इसलिए कुछ सोल्यूशन निकल के। आलोक जी, इस मामले में अमरावती में काफी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर मेरे पास में, यानी मैं मीडिया का हूँ, मेरे पास में हर दिन में दो बार जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी पोजीशन आती है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कितने लोग जमा है, हम लोग पूछते हैं, हम लोग अपडेट लेते हैं कौन सा हॉस्पिटल में कितने लोग है, उसमें वेंटिलेटर पे कितने हैं, उसका ऑक्सीजन बेड खाली है नहीं अभी, तो हालांकि इतने लोग निकल रखे हैं ऑक्सीजन बेड खाली नहीं है, लेकिन हमारे अमरावती में हमको मीडिया को सारा बता देते हैं ये लोग पूरे के पूरे, और वहां पर भी कितने लोग यही बता देते हैं, प्लस यानी कोविड केयर सेंटर, एक तो हो गया दवाखाना, दूसरा कोविड केयर सेंटर में वो लोग जाते हैं जिनके पास घर में आइसोलेटेड होने को जगह नहीं है और उनको किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है, दो दिन वहां दवाई देके तीसरे दिन उनको घर में 8 दिन 10 दिन का आइसोलेशन करके अमरावती से यहाँ से उनको रवाना कर दिया जाता है, दो दिन का इलाज है। मेरा तो कहना है कि जो यदि आप जैसे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल में गया कोई सादा व्यक्ति भी गया, प्राइवेट वालों की क्या स्थिति है यहाँ पे कि आप सिर्फ हमारे असिम्टोमेटिक पेशेंट भेजो, ये सब जगह की उनको वर्क करना ही नहीं, असिम्टोमेटिक पेशेंट भेजो उनको तो ऑक्सीजन लगा देंगे। हमारे यहाँ तो साहब एक किस्सा हो गया, एक बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं, हमारे एक हॉस्पिटल है कोविड केयर में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बोले कि भाई उनकी एक नंबर की यदि प्रैक्टिस है तो हम लोग उसको इनकार नहीं कर सकते। दूसरा एक यहाँ पे एक मेडिसिन वाला डॉक्टर है, अमरावती का बेस्ट डॉक्टर है, उसको अपॉइंटमेंट उसकी दो दो तीन तीन मैंने
पहले लखी साहब रात को 2 बजे जाके आपको लाइन में लगना पड़ता, उस व्यक्ति के आप 15 दिन से एक व्यक्ति इलाज करा रहा था, उसने 2 बार अपनी टेस्ट करा ली, टेम्परेचर कम नहीं, दोनों बार निगेटिव, तीसरी बार एक जगह और नई जगह टेस्ट कराने गया, उसने फोन करके बोला डॉक्टर साहब को कि आपका पेशेंट तो पॉजिटिव आया, तो वो डॉक्टर उस डॉक्टर के रेफरेंस से वो कोविड अस्पताल के डॉक्टर में गया, इन्हें बड़े डॉक्टर ने भेजा, इनको लगा बहुत सीरियस मैटर है, इन्होंने एक दिन में 75,000 से 1,00,000 रुपए के इसको इंजेक्शन डोज दिए। शाम को लैब वाले का फोन आता, साहब जो आपको रिपोर्ट दी थी ना किसी दूसरे की थी, आपका रिपोर्ट तो निगेटिव है। ये प्रैक्टिकल हमारे यहाँ की सच्चाई बता रहा हूं मैं जो हुआ। ठीक है, उस डॉक्टर को समझाया, मरीज ने चलो एक ज्यादा पैसे का मामला लेता है, लेकिन उसके जो शरीर में जो दवाइयों की जरूरत नहीं थी वो दवाइयां भी चली गई। तो इसमें किसको दोष दे, वो लैब वाले को, डॉक्टर को जिसने लैब के रिपोर्ट के आधार पर, बाकी सिम्टम्स नहीं देख रहे आप, लैब की रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से सारा सारा आप तोलते थे। खुद की प्रैक्टिस कुछ नहीं है, डॉक्टर केबिन में बैठ के वहां से उसको दूर से इलाज करते हैं। कुछ डॉक्टर है जो पास में थे, हमारे यहाँ के डॉक्टर रवि भूषण है जो पूरा का पूरा अभी कोरोना का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, जिस दिन से पहले दिन से अभी तक करीब करीब 4,000 पेशेंटों को उन्होंने ठीक करके भेजा होगा, और वो डॉक्टर है कि जो खुद हाथ लगा के मरीज को देखते हैं। ऐसे भी लोग नहीं है, ऐसे नहीं है, सब लोग अच्छे भी है, कुछ लोग बुरे हैं, तो लेकिन कुल मिला के यहाँ पे कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि मरीज खड़े हैं और उनको कहीं दवाखाना नहीं मिल रहा, किसी भी रूप में मिला हो, जैसा मिला हो, चाहे उसको फिर वहां रहने को जगह हो नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जाके कहीं सेट कर दिया जाए। ठीक है, दिन भर में साहब उसकी ये होती, क्योंकि जितनी स्पीड से कोरोना के मरीज, इनके लिए स्थिति क्या है, जितनी स्पीड से मरीज बढ़ रहे उतनी इनके पास में सुविधाएं नहीं, नहीं, नहीं। सबसे बड़ी चिंता की बात वो है, रहे अपन वहां की बात कर रहे हैं, वहां की बात करते हैं अपने मुंबई की धारा, कि देखो वहां की सब सिस्टम अलग है, वहां के लोगों के सोचने के ढंग अलग है, वहां के लोगों को हर चीज से लड़ना आता है। एक दिन यदि बहुत कुछ वहां बड़ी घटना हो जाती है, दूसरे दिन यहाँ पे आदमी नॉर्मल हो जाता है। यहाँ तो एक घटना सब 15 दिन तक बाहर नहीं निकलती, कोई ने गलत कर दिया तो 15 दिन तक उसका रोना रोते रहते। तो बंबई के लोगों के मेंटेलिटी और बाकी महाराष्ट्र दोनों में बहुत फर्क है, और वहां के बनते बनते हमको अभी तेरा बहुत समय लगेगा वहां पे, लगता है मुझे ऐसा। आपने जो बात कही सही बात कही कि मुंबई के जो है घटना है जो बहुत जल्दी भूल जाता है, सिर्फ अभी की जो घटना चल रही है, थोड़ी देर पहले आलोक जी ने कहा था कंगना राणा तो सुशांत की बात, खैर अपना ये विषय नहीं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, मैं तवज्जो की बात कर रहा हूँ, मीडिया की तवज्जो की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसको भी भूल के अभी जो प्रायोरिटी वाले मुद्दे हैं उसको भी लेना चाहिए, मीडिया ने भी उसको प्रायोरिटी पर दिया। मैं रत्नाकर जी जनता की बात कर रहा, सरकार के प्रशासन की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं जनता के साथ, जनता को जो जनता जल्दी पूरी की पूरी अपना हर चीज को एक्वायर करके अपने काम में लग जाती है वहां पे। जी 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 बिल्कुल सही बात कही। चलिए हम प्रशासन के पास तो अभी कोई दूसरे शासन के पास में दूसरे मुद्दे नहीं है ना, कोरोना को कब तक चलाएंगे साहब, अभी सुशांत गया तो रिया आ गई तो कंगना आ गई, कंगना के बाद में कोई दूसरा आएगा तो कंगना जाएगी। दिशा सालियन का भी मुद्दा है सर, अपना वो मुद्दा नहीं है। इमरान जी मुझे जी 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 मैं एक चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा, जिस वक्त नागपुर के बारे में, एक शायद नागपुर के लोगों को भी एक बार रिमाइंड होना चाहिए कि पिछले 2 महीने पहले नागपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 से 2 हजार थी, है ना, तब हमारे आयुक्त थे तुकाराम मुंडे, जोशी जी, तो 5,000 बेड की व्यवस्था की थी नागपुर महानगर पालिका के तरफ से 60 लाख रुपए लगवा के, और कई जितने भी मनपाल के हॉस्पिटल थे वहां पे बहुत अच्छी से व्यवस्था हो रही थी, वीडियोस बन रहे थे, छोटा सोशल मीडिया में चल रहे थे, अखबारों में आ रहे थे, टीवी चैनलों में आ रहे थे कि नागपुर पूरी तरह से तैयार है कोरोना पेशेंट के लिए। तो आज वो 5,000 बेड कहाँ गए, और जो इतने महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स बने थे वो कहाँ गए? सिर्फ बेड रहने से क्या कोविड की पूरी व्यवस्था हो गई थी, ऑक्सीजन या डॉक्टर्स वगैरह बाकी चीज नहीं ले पाए? आज जो 60 लाख नागपुर महानगर पालिका के कहाँ गए? आपको ही मैं सवाल पूछता हूँ इमरान की, तो क्या ये सिर्फ दिखावा करने के लिए था? जी हाँ, ये क्या शोबाजी थी जब 2,000 पेशेंट थे? जी जी चंद्र जी, मैंने आपको इससे पहले ही बताया रत्नाकर जी, इमरान भाई, कि सरकार को पता है कि ये कोरोना से कैसे इसको ये किया जाता है, इससे सरकार ने सबको छोड़ दिया, उनको बेड होना डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है कोरोना के मरीज, सिर्फ जिसको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, जो डॉक्टर बचा नहीं सकते उनको ही डॉक्टर की जरूरत है, बाकी सारे लोग अपने आप घर पे ठीक हो रहे हैं। तो अगर हम तो
आप तो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार यदि आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है तो आप बिना कारण से शौकिया टेस्ट भी मत करवाए, क्योंकि शौकिया टेस्ट में भी आप लोग पॉजिटिव आ जाते हैं। जी 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 आपके चंदू सर, आपके इस बात के मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ हमारे जान पहचान के मित्र थे, उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाई, पॉजिटिव आ गए, घर पे बैठ गए, डरे हुए थे और वो सोच रहे थे अभी दवाखाना कौन से चला जाए। नॉर्मल हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं तो आप असिम्प्टोमेटिक हो, आप घर पे रहिए, आपके एनएमसी वाले आ जाएंगे। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, महानगर पालिका का कोई नहीं आया, उनका फोन आना शुरू हुआ, अब मुझे तो कोरोना है, अब मुझे क्या खाना चाहिए, कौन सी गोलियां खानी चाहिए, ये तक बताने हमारे यहाँ कोई आ नहीं था, हमने क्या करना चाहिए बताइए। ये स्थिति है नागपुर की, कोई महानगर पालिका का डॉक्टर नहीं, इसमें 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 डॉक्टर लेता है, स्वास्थ्य विभाग वाले कुछ बताते हैं। इमरान जी इसमें कई जगह जनता को भी इतना आपने सूचित और सक्रिय नहीं किया कि किस परिस्थिति में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। साधारण से बुखार के लिए भी आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता है कि बुखार साधारण है, साधारण बुखार का डॉक्टर देखता नहीं है। आपको जब तक एक स्पेशलाइज बीमारी नहीं हो डॉक्टर यहाँ पे हाथ नहीं लगाते। बुखार के पेशेंट लिख के रखे पार्टी के बुखार वाले नहीं। तो बहुत सारे साधारण 3-4 चीजें जो बताई हुई है कि जिससे आपको लगता है कि कोरोना थोड़ा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप साहब थोड़ी सी सर्दी होगी, आपने टेस्ट करा लिया कोरोना का, कहीं देखा था कर्ण आगे बढ़ जाता, आपको पॉजिटिव हो जाता है, वहां जाते हैं आपको 3-4 दिन का आइसोलेशन देते हैं, घर पे रह जाओ, गोलियां वही देनी है, आप दवाखाने जाओगे पता नहीं लगेगा कौन सी दवा लेनी है, वही आप किसी अपने ड्राइवर से आपको डॉक्टर से फोन पे भी यदि आप कंसल्ट कर लेते हो तो फोन पे भी कोरोना को समझ के उसको इलाज किया जा सकता है। बहुत मुश्किल बात नहीं है आपको, लेकिन कोरोना स्पेशल के पास में जाना है, ये कब जाना है, यदि आप टेस्ट में पॉजिटिव हो गए तो आपके इलाज का तरीका बदल जाता है। और आप टेस्ट में पॉजिटिव नहीं हो या आपने टेस्ट नहीं कराई और आपको सिम्टम्स लगते हैं, उसका आइसोलेशन का पूरा पालन कीजिए, आप किसी और को मत फैलाइए, आप 10 दिन घर में रहिए, डॉक्टर की दवाई लिए, डॉक्टर के इसमें 3-4 चीजें सब आपको घर में रखनी है, बहुत महंगी चीजें नहीं है, एक ऑक्सीमीटर ले लीजिए 1200-1300-1400 रुपए का था, कोई महंगा नहीं है, एक गन ले लीजिए आप टेम्परेचर चेक करने की, दो चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है, और एक पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन भी आती है जो उसमें ऑक्सीजन जनरेट करता है और एक पेशेंट को काम में आ जाती है। ये भी यदि कुछ लोग मिलके ले, जैसे हम लोगों ने अभी बुलाई है ग्रुप में, ऐसे ले ले तो कम से कम ऑक्सीजन का भी काम, ऑक्सीजन उसमें जनरेट होता था, 40-50 हजार की मशीन है, ये भी ले लिए तो हम लोग बहुत कुछ कसा है सरकार को इस रूप में मदद कर सके। जरूरी नहीं कि हमने जो मदद की उसका प्रोपोगंडा करे कि साहब हमने 100 लोगों को ठीक कर दिया, हमने 100 लोगों को मशीन कर दिया, 100 लोगों को हमने अभी ऑक्सीजन दे दिया, हमने दवाई, नहीं नहीं आप अपने यदि सर्कल को भी आप सुरक्षित रख पाए तो काफी है। बिल्कुल आपने सही कहा ये अपने लिए। लेकिन इमरान की बात को लेकर मैं 2 मुद्दों को और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे कि इमरान ने कहा कि महानगर पालिका ने कई दिनों तक मतलब किए नहीं और ट्रेस आउट ही नहीं किया, कई बार तो ऐसा देखा गया कि पेशेंट ठीक होके सब रूटीन में आ गए, उसके बाद में महानगर पालिका के लोग उसके पास में जा रहे हैं और बता रहे कि भैया तुम पॉजिटिव हो और उसके घर में पेपर चिपका रहे हैं। सर इस पर भी हम बात नहीं करते, एक अहम मुद्दे के लिए आज का जो मुद्दा है मैं उस पर एक बात करूंगा, उसके बाद में हम कंक्लूजन पे ओवर चलते हैं। नागपुर में एक डिसीजन लिया गया कि लोगों को आज से जो मास्क का जो फाइन था वो 200 रुपए की जगह 500 रुपए कर दिया गया, तो क्या ऐसे जनता को 500 रुपए का फाइन करके कोरोना को रोका जा सकता है? नहीं, इसमें दो चीजें हैं, एक तो रेवेन्यू कम हो गया था तो रेवेन्यू जनरेट करना है इनको, बिल्कुल एक तो इनको रेवेन्यू जनरेट करना है और दूसरा क्या है कि लोगों का जो कैजुअल अप्रोच है कि साहब ठीक है 200 रुपए दे देंगे साहब कुछ नहीं है, 500 रुपए में थोड़ा सा तकलीफ होगी देने में, तो क्या होगा कि डर के मारे कुछ नहीं पता पड़ा शर्ट उतार के भी मास्क बना के वो देखेगा किसी को तो वो करेगा, एक डर डर रहेगा उससे रुकेगा तो कुछ नहीं। लेकिन ये है कि एक आदत में लाने के लिए ये शुरुआती तौर पर मुझे लगता है कि ठीक है कि आपने ये किया है तो देखिए अब इसका रिजल्ट भी क्या आता है। लेकिन जो मेन जो मुद्दा है जो चंदू भाई और हम लोगों के डिस्कशन में से निकल के आ रहा है वो ये है, खुद की सुरक्षा हमको खुद करना होगी, वो एक जो सबसे बड़ा जो उनकी करिए, अपने आसपास जितने लोग रहते हैं उनकी करिए, समाज में करिए, क्योंकि हर आदमी को भी सोशल वर्क बनना है। ये बिल्कुल सही, ये सही मुद्दा है कि अब जो जिनको सब चीजें पता है, हाँ वो जिनको सब चीजें पता है
अब बाहर निकल के सोशल वर्क करिए। और जिनको कोरोना हो गया प्लाज्मा तो चलो डोनेट देवे देवे, लेकिन उसने जाके समाज में काम भी करना है, लोगों के मन से डर निकालना और कोरोना, क्योंकि उसको 2 महीने तक कोरोना होता नहीं, तो कोरोना पेशेंट के साथ में वो सहानुभूति रख सकता है। कोरोना पेशेंट के साथ में ये बहुत, जितना आप बता रहे कि संक्रमण से होता है, किससे संक्रमण से आ रहा है ये पता नहीं, लेकिन जिसको कोरोना होता है यदि आपको पता है आप उसके साथ में हो तो निश्चित आपको कोरोना नहीं होगा। ऐसे मैंने कई जगह महसूस किया, कई कोरोना पेशेंट के साथ में मैं गया हूँ, ठीक है मैं मेरा प्रिकॉशंस रखता, शील्ड लगाता हूँ, मास्क पहनता हूँ, घर पे आके वापस दो दो बार तीन तीन बार भी कई बार नहाने का काम पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन कोरोना पेशेंट को कि तुम दूर रहो, मेरे पास मत आओ, 6 फुट दूर रहो, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। जरूरत पड़ी, उनके पास नई गाड़ी है तो हमारी गाड़ी में भी बैठ के उनको हम लोग लेके गए, और हम अभी तक हर चीज से सुरक्षित है, क्योंकि हम हमारी प्रिकॉशंस, हमारी पूरी कोशिश रहती कि हम खुद सुरक्षित रहे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित रहने के डर से सिर्फ इतना नहीं कि आप लोगों से दूर होकर घर में कैद होकर बैठ जाए, आप भी समाज में जाइए, समाज के लोगों को थोड़ा सा जागरूक कीजिए, किसी के ऊपर परेशानी आ जाती उसको दूर कीजिए। सब हर व्यक्ति का आप सरकार के ऊपर डाल दोगे, सरकार ने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होना, आप सरकार को छोड़ दो, सरकार जो कर रही वो अपने हिसाब से जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा रही, कहीं सरकार ये नहीं बैठी कि जाओ हमने करते तुमको जो करना है कर लो, सरकार की कोशिश, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे काम करने के तरीके जो भी है वो पूरे के पूरे उपयोग आ रहे हैं, क्योंकि सरकार अकेले नहीं, उसके साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ते जाता, हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ता जाता, तो काम की क्वालिटी धीरे धीरे घसरते चल जाती है। जो सरकार ने एक चीज यहाँ पे सोची वो आखिर में जाते जाते इम्प्लीमेंट होते होते बहुत डाउन हो जाती है, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। और कोरोना से एक ठीक है, मौत का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, सब अचानक बहुत सारी मौतें हो जाती है। नेर परसोपन में हमारे इसमें एक घर के 3 लोग 8 दिन के अंदर जिनकी डेथ हो गई है, ऐसे भी हादसे हुए, तो निश्चित ऐसे हादसे होते हैं तो हमको फिर सोचना पड़ता है कि क्या कोरोना है। लेकिन जब सड़कों पे घूमते और भीड़ देखते हैं तो हमको कोरोना से बिल्कुल डर नहीं लगता है, जैसे टीवी के सामने आके बैठ गए तो हमको कोरोना से डरना पड़ता है। जी जी बिल्कुल सही बात कही, चलो कंक्लूजन की ओर चलते हैं। मैं अब इमरान सर के पास में आऊंगा, और इमरान जी आप बताइए चलते चलते कि अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, समय की बड़ी बिल्कुल आज अब इस स्थिति से इतना तो पता चल गया कि अब कुछ प्रशासन और शासन के कुछ हाथ में नहीं रहा, उनके हाथ से जो धाराएं निकल गई है, खुद की सुरक्षा, अपनी फैमिली की सुरक्षा खुद को ही करना है। और जो बोल रहे हैं ना मास्क जो पहनने के लिए फाइन है, फाइन हो रहा है, फाइन के डर से नहीं, खुद की सुरक्षा के लिए इसका जो पालन है अपने को करना है। आलोक सर, मैं तो इस पे सबसे बड़ी बात जो बोलूंगा, 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ में 1 करोड़ अनऑफिशियल डॉक्टर्स हमको तैयार करना है, अनऑफिशियल कोरोना वॉरियर अगर जिनको आप बोल रहे हैं, कोरोना वॉरियर बोलो या कोरोना डॉक्टर बोलो या टेम्पररी डॉक्टर बोलो, जो भी आपको कहना है। जो चंदू भाई ने बोला कि ये समय है कि हमारे सैनिक चीन से लड़ने के लिए जैसे तैयारी में है, ऐसे हम लोगों ने अब घर के बाहर निकलना है। जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिनको इसकी जानकारी है, आप मोहल्ले पे अपना मोहल्ला संभाल लीजिए, 5 लोग मिलके चलो भाई, मैं ये 10 फैमिली 50 फैमिली 30 फैमिली को, मैं इस प्रकार से जब हम इसको पर्कुलेट करेंगे ना, तो निश्चित रूप से ये क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज है, पता नहीं है। तो ये जैसे हमारे जैसे लोग जो है, हम हो गए, हमारे मित्र लोग हो गए, जो लोग जब ऐसे बाहर निकलेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ डॉक्टर, ये डॉक्टर जो है जिनको नॉलेज है, जिनको सब चीजें बेसिक चीजें पता है, ये अगर बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर 123 करोड़ जनता तक हम ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद में आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स इतने हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और सब लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। चंदू जी आपकी बात चलते चलते, जो आलोक जी ने कहा मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हर जगह में 50-50 परिवारों ने अपना एक ग्रुप बना के कोरोना से लड़ने की खुद की तैयारी करनी, खुद के इक्विपमेंट कर लेने, कहीं एक एकाधा घर जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर 1-2 बेड रहे उसका भी काम कर ले, और दवाइयां वगैरह सारी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे। डॉक्टर भले ही आप सामने पेशेंट लेके, आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए क्या होना, फोन से ट्रीटमेंट आपको सारे, और करीब करीब सब लोगों की एक शरीर की ट्रीटमेंट है, जरूरी नहीं कि कोई के ट्रीटमेंट, हाँ कोई कोई यदि स्पेशल चीज उसमें, यदि आपके किसी विशेष बीमारी, आपको दमा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, ऐसे पेशेंट के लिए एक अलग समिति बना के उसका कराना चाहिए। बाकी सारे नॉर्मल की किसी एक को घर में कोरोना निकला उसके सामने आपने पूरे घर को कराया, 10 लोगों को कोरोना गया तो 10 लोगों को साहब अभी आप दवाखाने में जाता है, दवाखाने में जाते 10 लोगों को अलग अलग रूम नहीं, 10 के 10 एक ही जगह पर रहते, तो घर में, एक घर में 10 लोग आइसोलेटेड रह सकते हैं ना, उसके लिए क्यों अलग अलग रूम चाहिए, क्यों अलग अलग बाथरूम चाहिए। ये हो सकता है जैसे आपने पहले भी बताया था कि गरीब परिवार है, उनको अलग रूम नहीं है, तो साहब एक रूम में भी वहां पे जब हम देखते कि दवाखाने में भी
भीड़ किस तरह की, एक एम्बुलेंस में 12-15 लोगों को लेके जाते, 20-20 लोगों को लेके जाते कोरोना के, कहां सोशल डिस्टेंसिंग का आप भी पालन कर रहे, क्यों हमको बोलते सोशल डिस्टेंसिंग का, आप खुद भी नहीं कर रहे, क्यों, कोरोना से कोरोना है सब। तो घर में भी आप, यदि घर में 10 लोगों को हो गया ना, आपके 4 रूम में भी, तो मुझे लगता है आप आइसोलेटेड रह सकता है। आइसोलेटेड का मतलब है कि आप बाहर किसी को और इन्फेक्शन ना करें। उत्तर भी किया और 5-10 परिवारों ने किया, बोला ना एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जनरेटर आता है 30-40 हजार का आता है, और बाकी सारा सामान 2,500 में पूरी की रहती है, हर व्यक्ति उसको रख सकता है घर में। तो इससे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। आप दिन भर, हम तो दिन भर में खेल समझ के लगाते रहते कि कितना हमारा ऑक्सीजन है, टेम्परेचर देखते रहते कम जाए, दिन भर में 3-4 बार चेक करना हो जाता है यदि आपके सामने टेबल पर रखा रहे तो। इतना सा भी किए तो हम लोग सरकार को बहुत बड़ी मदद करेंगे, साथ ही हमारी खुद की भी हम लोग मदद करेंगे, क्योंकि उसको बचना भी जरूरी है और साथ में सरकार को भी सहयोग जरूरी। सरकार कर रही है, ये कर रही है, अब हमने दोष देना बंद कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि इतनी बड़ी चीज है, किसी को दोष देने की जगह नहीं है इसमें। हर व्यक्ति जिम्मेदार है इसके लिए, खराब भी हो रहा तो भी, और हम क्या भी होगा तो व्यक्ति जिम्मेदार है। हम क्या कर सकते हैं, अब ये सोचना है बस। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पर चर्चा में कहा, मैं एक बात का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। जब हम प्लेन में सफर करते हैं तो सफर शुरू होने से पहले एयर होस्टेस हमें कुछ बताती है प्रिकॉशन। मान लीजिए कहीं कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो उस वक्त क्या करना है, तो उसमें एक अहम मुद्दा वो जो बताती है हमेशा, वो ये बताती है कि आपको लोगों की मदद तो करनी है, लेकिन इसके पहले सबसे पहले आपको अपना प्रोटेक्शन करना है। चंदू सर ने बताया, आलोक सर ने बताया, इमरान ने बताया कि आत्मनिर्भर की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले आत्मसुरक्षा की बात आती है। आज की इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम आत्मसुरक्षा की ओर बढ़ें। हम आत्मसुरक्षा करेंगे तो हमारे बाजू में सब लोगों को हम सुरक्षित कर पाएंगे। कोरोना कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, सचमुच एक भयावह स्थिति है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए कहीं ना कहीं हमें लड़ना होगा, हमें सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। ऐसी और चर्चा के साथ में हम आपके समक्ष हाजिर होंगे इन बीसीएन और सिटी न्यूज के माध्यम से। चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, तब तक आप अपने घरों में रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रहे, समाज का ध्यान रहे, अपने परिवार का ध्यान रहे। नमस्कार, और आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। सभी का धन्यवाद।